नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड से। किस तरह से देख सकते हैं, एक कार चालक ने एक बाइक को उड़ाया। जी हाँ, एक बाइक को उड़ा दिया, जिसके बाद कितनी जोरदार ये टक्कर रही है आप देख लीजिए तस्वीरों के अंदर। और आपको वो शीशे के ऊपर सिर लगा हुआ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरह से लड़के के जो बाल हैं वो फंसे हुए आपको शीशे के अंदर नजर आ रहे होंगे, और दोनों एयर बैग तक खुल जाते हैं, इतना जोरदार ये हादसा रहता है। और फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चालक था वो उसे उपचार के लिए यहाँ से ले जाता है। देख पा रहे हैं किस तरह से यूपी 15CF5001 ये गाड़ी का नंबर है, और इस गाड़ी चालक ने बाइक सवार को उड़ा दिया। बाइक सवार को कैसे उड़ाया, बाइक सवार सड़क क्रॉस कर रहा था जिसके चलते हुए इस बाइक को उड़ा लिया जाता है। संदीप नाम बताया जा रहा है। और इसमें कर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, कहाँ का रहने वाला कुछ पता लगा? अभी बैग पड़ा हुआ है बाइक चालक का, अब खोल कर चेक करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए बैग जो है ऊपर टंगा हुआ है, अब डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जाएंगे। चाबी पुलिस कर्मियों के पास ही है जो 112 से पहुंचे हैं, और फिलहाल डॉक्यूमेंट जो है वो शायद पड़े हुए हैं, उसके बाद अब पता लगाया जा सकेगा ताकि उसके घर तक ये जानकारी जो है वो जल्द से जल्द पहुँच पाए। RC पड़ी हुई है। कहाँ का एड्रेस है सर? विलेज बीर माजरी का है। बीर माजरा। और कोई नंबर वगैरह नाम वगैरह? नाम तो कवरपाल के नाम पे है जी। कवरपाल के नाम से। हाँ जी। फिलहाल आप देख सकते हैं RC में बीर मार्जरा जो गांव है वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसके परिवार तक ये जानकारी पहुंच सके किस तरह से एक कार चालक यूपी कार चालक ने इस बाइक को उड़ाया। भगवान का शुक्र है बचाव रहा, हालांकि सिर पर चोट आई है। सिर पर चोट इसलिए आई क्योंकि जो बाइक सवार था वो उड़कर ये शीशे पर लगता है। ये देखिए शीशे के ऊपर लगने के बाद उसके बाल किस तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसकी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और कितना जोरदार यह हादसा था, दोनों एयर बैग तक खुल जाते हैं। देखिए दोनों एयर बैग तक खुले हुए हैं, हालांकि बीर माजरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर है, और देखिए किस तरह से बोनट भी ये आप देख सकते हैं बेंड हो जाता है। काफी जो सॉलिड गाड़ी है ये मारुति की S-Cross, इस गाड़ी के बोनट के साथ जो है वो टकरा जाता है, जिसके बाद आगे से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और बाइक चालक उड़कर इसके शीशे पर लगता है। शीशे पर लगने के कारण उसके सिर पर चोट आई है, जिसके बाद उसे ये गाड़ी चालक ही यहाँ से मौके से ले जाता है। उसका उपचार एक निजी अस्पताल से कराया जा रहा है, और वहाँ से अब जानकारी मिली कि संदीप नाम बीर माजरा का शायद वो रहने वाला हो। कवरपाल के नाम से ये बाइक जो है वो दिख रही है। जी हाँ, RC में ऐसा पता लगा कि कवरपाल के नाम से ये बाइक है, और संदीप लड़के का नाम है जिसे चोट आई है उसे अस्पताल में ले जाया गया। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। पुलिस की टीम में 112 की मौके पर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी, आप यहाँ पर पहुंचे थे? हमारे पास इवेंट आया था कि यहाँ पे शेखपुरा के अड्डे के पास एक एक्सीडेंट हुआ है कार और बाइक का, तो मौके पर आकर देखा तो जो घायल एक इंजर्ड हुआ था लड़का मोटरसाइकिल वाला, उसको हमारे आने से पहले ही पब्लिक द्वारा हॉस्पिटल में ले गए हैं, जिसने एक्सीडेंट किया कार वाला भी साथ में गया है। कितनी चोट लगी है सर उसे? उसके सिर पे चोट लगी है मैम, थोड़ी बात हुई थी, बोले कि अभी अपना नाम मुनू बता रहा है, वैसे ठीक है अभी। तो सर ऐसे तो कार वाले भाग जाते हैं, भगवान का शुक्र है कि उसे उठा कर ले गया, नहीं तो भाग जाते हैं कार। वैसे तो भाग जाते हैं, बंदा लेके गया जी साथ में। तो इलाज करवा रहा है? इलाज करवा रहा है जी। कहाँ से बाइक वाला कहाँ जा रहा था और कार कहाँ से आ रही थी? कार जी अपना आ रही थी मेरठ साइड से, रोड से जी, और ये बाइक वाला अपना शेखपुरा के गाँव से निकला था। ये बीर माजरे का है लड़का, जो इसके डॉक्यूमेंट से पता लगा है, और उसको जैसे उसने क्रॉस करने की कोशिश किया तो बाइक अपना कार थोड़ी स्पीड में थी, टकरा गया। तो मौके पर किसी लोगों ने आपको जानकारी दी क्या हुआ था हादसे का, कोई मौके का? मौके पर ये बताया कि गाड़ी स्पीड में थी और ये एकदम क्रॉस करने के लिए आया तो गाड़ी उड़ा दी। आप देख सकते हैं 112 की गाड़ी मौके पर थी, ऐसा बताया जा रहा है कि ये शेखपुरा की तरफ से बाइक चालक आ रहा था, पीछे से यूपी की तरफ से मेरठ की तरफ से गाड़ी आ रही थी यूपी 15CF5001, और इसने उस बाइक को उड़ाया, जिसके बाद संदीप जो लड़का था वो चोटिल हो जाता है बुरी तरह से। उसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में जरूर ले जाया गया, फिलहाल उसके हालात ठीक बताया जा रहा है क्योंकि सिर पर चोट जरूर है। ये देखिए सिर के बाल जो हैं इस शीशे के अंदर फंसे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को देखिएगा भी जरूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किस तरह से देख सकते हैं लगातार ये हादसे जो हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे,
मेरठ रोड पर काफी इस तरह से हादसे लगातार देखे जाते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, अगर आप इस रोड पर सफर करते हैं तो गाड़ी को कंट्रोल में चलाएं, गाड़ी की स्पीड धीमी रखें, क्योंकि गांव काफी लगते हैं इस रोड पर। इसी तरह से एक गाड़ी ने एक बच्चे को भी उड़ाया था और बच्चा मौके पर एक्सपायर हो गया था, मौके पर बच्चे की डेथ हो गई थी। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे से लोग जागरूक जरूर हों। नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड से, किस तरह से देख सकते हैं एक कार चालक ने एक बाइक को उड़ाया। जी हाँ, एक बाइक को उड़ा दिया, जिसके बाद कितनी जोरदार ये टक्कर रही आप देख लीजिए तस्वीरों के अंदर। और आपको वो शीशे के ऊपर सिर लगा हुआ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए किस तरह से लड़के के जो बाल है वो फंसे हुए आपको शीशे के अंदर नजर आ रहे होंगे और दोनों एयर बैग तक खुल जाते हैं, इतना जोरदार ये हादसा रहता है। और फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चालक था वो उसे उपचार के लिए यहां से ले जाता है। देख पा रहे हैं किस तरह से यूपी 15CF5001 ये गाड़ी का नंबर है और इस गाड़ी चालक ने बाइक सवार को उड़ा दिया। बाइक सवार को कैसे उड़ाया, बाइक सवार सड़क क्रॉस कर रहा था जिसके चलते हुए इस बाइक को उड़ा लिया जाता है। संदीप नाम बताया जा रहा है। और इसमें कर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, कहां का रहने वाला कुछ पता लगा? अभी बैग पड़ा हुआ है बाइक चालक का, अब खोल कर चेक करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए बैग जो है ऊपर टंगा हुआ है, अब डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जाएंगे। चाबी पुलिस कर्मियों के पास ही है जो 112 से पहुंचे हैं और फिलहाल डॉक्यूमेंट जो है वो शायद पड़े हुए हैं, उसके बाद अब पता लगाया जा सकेगा ताकि उसके घर तक ये जानकारी जो है वो जल्द से जल्द पहुँच पाए। RC पड़ी हुई है, कहाँ का एड्रेस है सर? विलेज बीर माजरी का है। बीर माजरा। और कोई नंबर वगैरह नाम वगैरह? नाम तो कवरपाल के नाम पे है जी। कवरपाल के नाम पे? हाँ जी। फिलहाल आप देख सकते हैं RC में बीर मार्जरा जो गांव है वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसके परिवार तक ये जानकारी पहुंच सके किस तरह से कार चालक, यूपी कार चालक ने इस बाइक को उड़ाया। भगवान का शुक्र है बचाव रहा, हालांकि सिर पर चोट आई है। सिर पर चोट इसलिए आई क्योंकि जो बाइक सवार था वो उड़कर ये शीशे पर लगता है, ये देखिए शीशे के ऊपर लगने के बाद उसके बाल किस तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं जिसकी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और कितना जोरदार यह हादसा था, दोनों एयर बैग तक खुल जाते हैं, देखिए दोनों एयर बैग तक खुले हुए हैं। हालांकि बीर माजरा का रहने वाला बताया जा रहा है, पुलिस मौके पर है और देखिए किस तरह से बोनट भी ये अब आप देख सकते हैं बेंड हो जाता है। काफ़ी जो सॉलिड गाड़ी है ये मारुति की S-Cross, इस गाड़ी के बोनट के साथ जो है वो टकरा जाता है, जिसके बाद आगे से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और बाइक चालक उड़कर इसके शीशे पर लगता है। शीशे पर लगने के कारण उसके सिर पर चोट आई है, जिसके बाद उसे ये गाड़ी चालक ही यहाँ से मौके से ले जाता है। उसका उपचार एक निजी अस्पताल से कराया जा रहा है और वहाँ से अब जानकारी मिली कि संदीप नाम भीर माजरा का शायद वो रहने वाला हो, कवरपाल के नाम से ये बाइक जो है वो दिख रही है। जी हाँ, RC में ऐसा पता लगा कि कवरपाल के नाम से ये बाइक है और संदीप लड़के का नाम है जिसे चोट आई है, उसे अस्पताल में ले जाया गया। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। पुलिस की टीम में 112 की मौके पर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी, आप यहाँ पर पहुंचे थे? हमारे पास इवेंट आया था कि यहाँ पे शेखपुरा के अड्डे के पास एक एक्सीडेंट हुआ है कार और बाइक का, तो मौके पर आकर देखा तो जो घायल एक इंजर्ड हुआ था लड़का मोटरसाइकिल वाला, उसको हमारे आने से पहले ही पब्लिक द्वारा हॉस्पिटल में ले गए हैं, जिसने एक्सीडेंट किया कार वाला भी साथ में गया है। कितनी चोट लगी है सर उसे? उसके सिर पे चोट लगी है मैम, थोड़ी बात हुई थी, बोले कि अभी अपना नाम मुनू बता रहा है, वैसे ठीक है अभी। तो सर ऐसे तो कार वाले भाग जाते हैं, भगवान का शुक्र है कि उसे उठा कर ले गया, नहीं तो भाग जाते हैं कार। वैसे तो भाग जाते हैं, बंदा लेके गया जी साथ में। तो इलाज करवा रहा है? इलाज करवा रहा जी। कहाँ से बाइक वाला कहाँ जा रहा था और कार कहाँ से आ रही थी? कार जी अपना आ रही थी मेरठ साइड से, रोड से जी, और ये बाइक वाला अपना शेखपुरा के गाँव से निकला था। ये भीर माजरे का है लड़का, जो इसके डॉक्यूमेंट से पता लगा है, और उसको जैसे उसने क्रॉस करने की कोशिश किया तो बाइक अपना कार थोड़ी स्पीड में दिया, टकरा गया। तो मौके पर किसी लोगों ने आपको जानकारी दी क्या हुआ था हादसे का, कोई मौके का? मौके पर ये बताया कि गाड़ी स्पीड में थी और ये एकदम क्रॉस करने के लिए आया तो गाड़ी ने उड़ा दी। आप देख सकते हैं 112 की गाड़ी मौके पर थी, ऐसा बताया जा रहा है कि ये शेखपुरा की तरफ से बाइक चालक आ रहा था, पीछे से यूपी की तरफ से मेरठ की तरफ से गाड़ी आ रही थी यूपी 15CF5001 और इसने उस
बाइक कोड आया, जिसके बाद संदीप जो लड़का था वो चोटिल हो जाता है बुरी तरह से, उसे उसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में जरूर ले जाया गया। फिलहाल उसके हालात ठीक बताए जा रहे हैं, क्योंकि सिर पर चोट जरूर है। ये देखिए सिर के बाल जो हैं इस शीशे के अंदर फंसे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को देखिएगा भी जरूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किस तरह से देख सकते हैं लगातार ये हादसे जो हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे। मेरठ रोड पर काफ़ी इस तरह से हादसे लगातार देखे जाते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, अगर आप इस रोड पर सफ़र करते हैं तो गाड़ी को कंट्रोल में चलाएं, गाड़ी की स्पीड धीमी रखें, क्योंकि गांव काफ़ी लगते हैं इस रोड पर। इसी तरह से एक गाड़ी ने एक बच्चे को भी उड़ाया था और बच्चा मौके पर एक्सपायर हो गया था, मौके पर बच्चे की डेथ हो गई थी। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे से लोग जागरूक जरूर हों।